हेलो गाइस, आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 12 मिनरल न्यूट्रिशन का एक पॉइंट है जिसे हम लोग रूट नूडल फॉर्मेशन कहेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 91 मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिस्कशन किया था, ये उसी पॉइंट का कंटिन्यूएशन है, रूट नूडल फॉर्मेशन। सो रूट नूडल फॉर्मेशन को हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक या फिर बैकग्राउंड के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जिस समय पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोस्टली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंड जो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व रहेगा जिसके द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होने वाला है, दे आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं ये मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सेकंड वन इज द सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब मीनिंग क्या होता है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स का एंड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स का? सो द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स मीन्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे जो अकेले, मीन्स विदाउट एसोसिएशन, किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, सॉइल के अंदर मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में नहीं रहेगा, बट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्शन कर सकता है इनटू द अमोनिया। दैट मीन्स दे आर फ्री लिविंग, वो फ्री लिविंग स्टेट में होते हैं एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एसाइटोबैक्टर। द सेकेंड टाइप का ऑर्गेनिज्म जो अगेन नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, बट ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी और ऑर्गेनिज्म के एसोसिएशन में वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम, आप लोगों ने लेग्यूमिनस प्लांट के रूट ऑब्जर्व किए हैं, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स के अंदर नोड्यूल्स अवेलेबल होती है एंड वो नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा। सो राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के साथ में एसोसिएशन फॉर्म करता है एंड ये ऐसा एसोसिएशन जहाँ पर बोथ ऑर्गेनिजम्स, दैट मीन बैक्टीरिया एज वेल एज द रूट ऑफ द प्लांट्स, दोनों का बेनिफिट होता है। सच एसोसिएशन, सच रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो राइजोबियम ये हमेशा सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। दैट्स व्हाई हम लोग जो रूट नूडल फॉर्मेशन के ऊपर स्टडी करने वाले फोकस करेंगे, यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक मेन सब्जेक्ट दैट विल बी द राइजोबियम ऑर्गेनिज्म, बिकॉज राइजोबियम ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन के कारण रूट नूडल का फॉर्मेशन करेगा। तो पहले राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया होता है, सॉइल के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा एंड रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है राइजोबियम के बारे में, ये पहले अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए सो दैट आगे का टॉपिक रूट नूडल फॉर्मेशन के अंदर हमको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। दिस राइजोबियम बैक्टीरिया विच इज रॉड शेप प्रेजेंट इन द सॉइल, दिस इज एरोबिक इन अ फ्री लिविंग स्टेट। मतलब जिस समय पर ये रूट के साथ में एसोसिएशन नहीं करेगा ये फ्री लिविंग रहेगा, और जब ये फ्री लिविंग होता है उस समय पर ये किस प्रकार का रेस्पिरेशन करेगा? एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। दैट मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रेस्पिरेशन करता है, जब ये फ्री लिविंग स्टेट में है, किसी के साथ एसोसिएशन में नहीं रहेगा तब। बट जिस समय पर ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में चला जाएगा लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के साथ में, एट द टाइम इट बिकम द अनएरोबिक। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जब जाएगा तब ये अनएरोबिक हो जाता है एंड केवल सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ही राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकता है। अगर ये फ्री लिविंग स्टेट में रहेगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहेगा तभी ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा एंड देन इट बिकम सिम्बायोटिक, इट बिकम द अनएरोबिक। ओके, ये अनएरोबिकली रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देता है जिस समय पर इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करना रहेगा, जिस समय पर ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करेगा। देन राइजोबियम बैक्टीरिया किस प्रकार से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? तो इस बैक्टीरिया के पास में एक एंजाइम अवेलेबल है एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज द नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिक्सेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया एंड दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन द राइजोबियम। नाउ जो हम लोगों ने बात किया है अभी, जिस समय पर बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहेगा एट द टाइम इट बिकम्स एनएरोबिक। Why? Because of this nitrogenase enzyme. Nitrogenase enzyme is highly sensitive towards the oxygen. अगर nitrogenase enzyme oxygen के contact में आता है तो nitrogenase enzyme work करना बंद कर देगा, work करना stop कर देगा। फिर से सुनिए, जिस समय पर नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो ये अपनी एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा, दैट मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टॉप हो जाएगा। दैट्स व्हाई जब कभी भी राइजोबियम बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन करना रहेगा, दैट मीन्स नाइट्रोजिनेज एंजाइम कैसा होना चाहिए? एक्टिव मोड के अंदर होना चाहिए। और नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक्टिव कब होगा? जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहेगा, दैट मीन्स अनएरोबिक कंडीशन।
सेकंड थिंग, राइजोबियम बैक्टीरिया के पास में अनएरोबिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए एक और इंपॉर्टेंट केमिकल अवेलेबल है, दैट केमिकल इज कॉल्ड एज द लेग हेमोग्लोबिन। राइजोबियम बैक्टीरिया के पास में अनएरोबिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए केमिकल अवेलेबल होता है, दैट इज कॉल्ड एज द लेग हेमोग्लोबिन। नाउ हियर लेग स्टैंड फॉर द लेग्यूमिनस, हियर लेग स्टैंड फॉर लेग्यूमिनस, लेग मतलब लेग्यूमिनस। नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा है लेग स्टैंड फॉर, इन लेग हेमोग्लोबिन लेग स्टैंड फॉर, सो हियर लेग मींस लेग्यूमिनस। नाउ तो ये जो लेग हेमोग्लोबिन है ये क्या काम करता है, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर, इसे हम लोग ऑक्सीजन स्कैवेंजर बोलते हैं। ऑक्सीजन स्कैवेंजर का मीनिंग क्या रहता है, क्या होगा, ऐसा मटेरियल जो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है, ऑक्सीजन को खा लेगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर। सो ऑक्सीजन स्कैवेंजर लेग हेमोग्लोबिन, इसके कारण एटमॉस्फेरिक कंडीशन जहां पर भी बैक्टीरिया अवेलेबल रहेगा वो कंडीशन कैसे हो जाएगा, विदाउट ऑक्सीजन हो जाएगा, इफ ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा दैट मींस एनएरोबिक बन जाएगा, एंड उस समय पर नाइट्रोजन एंजाइम अपना वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक हम लोगों ने स्टडी किया है अबाउट द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड स्पेशली अबाउट द राइजोबियम बैक्टीरिया। अब बात करते हैं रूट नोड्यूल फॉर्मेशन के बारे में कि प्लांट में नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बहुत ही सिंपल एंड ईजी कंसेप्ट है, हमने यहाँ पर ऑलरेडी रूट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखा है, से दिस इज द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, ये किसी लेग्यूमिनस प्लांट का रूट है, दीज आर द कॉर्टेक्स सेल्स एंड दीज आर द रूट हेयर्स। यहाँ पर हमने रूट हेयर ड्रॉ की है, कॉर्टेक्स सेल ड्रॉ किया है, बिकॉज हम लोगों ने एनाटॉमी पोर्शन के अंदर एनाटॉमी ऑफ रूट को स्टडी किया, उसके पास में रूट हेयर्स अवेलेबल होते हैं, कॉर्टेक्स सेल्स प्ले साइकिल एक्सेट्रा प्रेजेंट रहेगा। सो कॉर्टेक्स सेल्स हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ किया, रूट हेयर्स यहाँ पर हम लोगों ने ड्रॉ किया है, एंड ऑब्वियसली रूट है तो सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहेगा, हम लोग यहाँ पर सॉइल ड्रॉ नहीं कर रहे, जस्ट हम लोग अब यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया ड्रॉ करने वाले हैं। सो सपोज दीज आर द राइजोबियम बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल। हम लोग रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, रूट्स हमारे सॉइल में अवेलेबल है एंड सॉइल के अंदर ही ये राइजोबियम बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, दीज आर द राइजोबियम बैक्टीरिया। सो राइजोबियम बैक्टीरिया को नोड्यूल फॉर्मेशन करना है, दैट्स व्हाई राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या करना होगा, रूट सेल के अंदर मतलब कॉर्टेक्स के अंदर एंटर करना होगा। अब राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है, मतलब ये हुआ कि जिस समय पर बैक्टीरिया रूट में एंटर करेगा तो बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, बैक्टीरिया का बेनिफिट होगा, इन रिटर्न बैक्टीरिया प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देगा। नाउ हमारा जो प्लांट है लेग्यूमिनस प्लांट, अब इसे नाइट्रोजन फिक्स करना है, ये खुद को नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई हेल्प किसकी लेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया की लेगा। अब प्लांट या प्लांट का रूट राइजोबियम बैक्टीरिया को बात करके तो बोल नहीं सकता कि मुझे नाइट्रोजन फिक्स करना है, रूट के अंदर एंट्री करो, नहीं बोल सकता, दैट्स व्हाई प्लांट का रूट क्या करेगा, एक प्रकार का केमिकल सिक्रेट करेगा, कुछ सिग्नल देगा किसे, राइजोबियम बैक्टीरिया को। जो प्लांट का रूट्स है, दिस रूट विल सिक्रेट फ्लेवोनॉइड, ये क्या करेगा, फ्लेवोनॉइड्स का सिक्रीशन करेगा, एक प्रकार का सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, प्लांट रूट फ्लेवोनॉइड को सिक्रीट करेगा, फ्लेवोनॉइड के सिक्रीशन के द्वारा राइजोबियम बैक्टीरिया को सिग्नल मिलेगा दैट राइजोबियम बैक्टीरिया कैन इंटर इनसाइड द रूट। फ्लेवोनॉइड का सिक्रीशन होगा मतलब पहल कौन कर रहा है, नोड्यूल फॉर्मेशन की स्टार्टिंग कौन कर रहा है, हमारे प्लांट के रूट्स कर रहे हैं, रूट्स फ्लेवोनॉइड केमिकल को सिक्रीट करेगा, इस केमिकल के रिस्पॉन्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया अब इंटर करने की कोशिश करेगा इनसाइड द रूट। कहाँ से इंटर करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया इंटर्स इनटू द रूट विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। नाउ फ्लेवोनॉइड सिक्रीट करने के बाद में राइजोबियम की एंट्री फैसिलिटेट करना है, फैसिलिटेट करना है मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया को इजीली रूट में एंट्री देना है, दैट्स व्हाई प्लांट क्या करता है, अपने रूट हेयर्स को कर्ल करना स्टार्ट कर देता है। राइजोबियम बैक्टीरिया अभी भी रूट सॉइल के अंदर अवेलेबल है, रूट में एंटर नहीं हुआ है, राइजोबियम बैक्टीरिया को एंट्री देना है, दैट्स व्हाई दिस रूट हेयर बिकम्स कर्ली, थोड़ा सा फोल्ड हो जाता है, कर्ल लाइक का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। सो जहां पर मैक्सिमम कर्ल रहेगा वहां पर बहुत ढेर सारे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, वहां पर बहुत ढेर सारा बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो जाएगा, सराउंडिंग मीडियम के अंदर भी बैक्टीरिया अवेलेबल है, बट जिस पार्ट में कर्ल ज्यादा रहेगा वहां पर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा। नाउ एक बार रूट हेयर कर्ल्स हो गया, नाउ दिस बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल इट स्टार्ट एंटरिंग इन टू द रूट हेयर, ठीक क्या करेगा, रूट हेयर में एंटर होना स्टार्ट करता है एंड धीरे धीरे ये कॉर्टेक्स रीजन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, एंड दिस एंट्री इट इज कॉल्ड एज थ्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इसे हम लोग बोलते हैं थ्रेड ऑफ
इन्फेक्शन, इन्फेक्शन थ्रेड भी कहा जाएगा, इसे थ्रेड ऑफ इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं हम लोग। सो विद द हेल्प ऑफ थ्रेड ऑफ इन्फेक्शन और बाय फॉर्मिंग थ्रेड ऑफ इन्फेक्शन द राइजोबियम बैक्टीरिया इंटर्स फ्रॉम रूट हेयर इन टू द कॉर्टेक्स सेल्स। कॉर्टेक्स रीजन के अंदर अब राइजोबियम बैक्टीरिया की एंट्री हो गई है। नाउ राइजोबियम बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन साइड द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द रूट्स। अब वो क्या करेगा, अब वो कॉर्टेक्स सेल्स को बहुत ज़्यादा टाइम मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है। कॉर्टेक्स का सेल बहुत बार मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ मास लाइक स्ट्रक्चर, अ नोड्यूल। दिस इज कॉल्ड एज द नोड्यूल, दिस इज रूट नोड्यूल। राइजोबियम बैक्टीरिया इंटर हुआ है, इंटर होने के कारण कॉर्टेक्स सेल मल्टीपल टाइम डिवाइड होता है, सेल का मास बन के रेडी होता है एंड दैट थिंग इज कॉल्ड एज द रूट नोड्यूल। नाउ रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन हो गया, बट यहाँ तक हमारा पॉइंट हुआ है केवल फॉर्मेशन ऑफ द रूट नोड्यूल। अब मेन थिंग क्या है, नेटवर्क फिल्ट्रेशन कैसे होगा। बैक्टीरिया की रूट में एंट्री हो गई, बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर रहा है, बट बैक्टीरिया रिटर्न में नेटवर्क फिल्ट्रेशन कैसे करेगा, किस प्रकार से प्रोसेस होता है। तो हम लोग यहाँ का जो कॉर्टेक्स सेल है रूट नोड्यूल, इसका कोई सिंगल सेल एनलार्ज करके यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज द सिंगल सेल ऑफ द नोड्यूल। अब इसके अंदर भी ढेर सारे बैक्टीरिया अवेलेबल है, दीज आर द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन साइड द रूट नोड्यूल। ये कॉलोनी के फॉर्मेट में ढेर सारा बैक्टीरिया अवेलेबल रहेगा इन साइड द रूट नोड्यूल। नाउ रूट का सेल है मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल है, ये एरोबिक कंडीशन है। हमने पहली बात की थी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर अनएरोबिक कंडीशन होना चाहिए बिकॉज यहाँ पर नाइट्रोजनस एंजाइम को वर्क करना है। अभी तक यहाँ पर कंडीशन कैसी है, एरोबिक है, मतलब यहाँ पर हमारा बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता बिकॉज नाइट्रोजनस कैसा रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। दैट्स व्हाई अब ये बैक्टीरिया को अनएरोबिक कंडीशन मेंटेन करना पड़ेगा। सेल है, सेल का कंडीशन एरोबिक रहेगा, बट बैक्टीरिया को सेल के इनर साइड में अनएरोबिक कंडीशन मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास में क्या था, बैक्टीरिया के पास में क्या अवेलेबल है, लेगेमोग्लोबिन। नाउ बैक्टीरिया क्या करेगा, खुद के सराउंडिंग में, जो बैक्टीरिया का कॉलोनी है, बैक्टीरिया खुद के सराउंडिंग में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म कर लेगा, एक प्रकार के शील्ड फॉर्म करेगा, एक प्रकार का कवच फॉर्म कर लेगा। ये प्रोटेक्टिव शील्ड, दिस इज कॉल्ड एज द लेग हेमोग्लोबिन, इसी को हम लोग नाम देते हैं लेग हेमोग्लोबिन। अभी क्या है, लेग हेमोग्लोबिन इट इज अ ऑक्सीजन स्कैवेंजर। तो जितना भी ऑक्सीजन सेल के अंदर अवेलेबल था, अब वो सारा ऑक्सीजन कौन कंज्यूम कर लेगा, लेग हेमोग्लोबिन कंज्यूम कर लेगा। दैट मीन्स इन साइड दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर, ये प्रोटेक्टिव शीट के अंदर जो बैक्टीरिया अवेलेबल है, अब वहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं मतलब कंडीशन कैसी हुई, इट्स एनएरोबिक कंडीशन। एंड जैसे ही कंडीशन अनएरोबिक हो जाएगा, दिस नाइट्रोजनस एंजाइम बिकम्स एक्टिवेट। Now this nitrogenous enzyme will convert the atmospheric nitrogen into the ammonia. So leg hemoglobin ने क्या किया, anaerobic condition maintain किया। कैसे maintain किया, cell के inner side में जो oxygen था वो oxygen को consume करने लगा, oxygen scavenger इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं। So that जो inner side है leg hemoglobin का, जो inner area है, वहाँ पर केवल bacteria available रहेगा and वहाँ पर oxygen available नहीं है। That means this राइजोबियम बैक्टीरिया गेट द एनएरोबिक कंडीशन, इसके पास जो एंजाइम नाइट्रोजनस अवेलेबल है वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 विल कन्वर्ट इनटू द अमोनिया। इसका कन्वर्शन किस में हो जाएगा, अमोनिया के अंदर इजीली इसका कन्वर्शन हो जाएगा। नाउ कीप इट इन माइंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन अमोनिया, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन अमोनिया 8 ATP molecules का requirement होता है for the formation of one ammonia. So this is about the root nodule formation and the biological nitrogen fixation. ये बहुत important point है, इसे आपको अच्छे से prepare करना है। This is very important, बहुत simple इसके ऊपर question आते हैं। Hope you understand the topic. अगर आपको कोई difficulty है तो please comment box के अंदर आप लोग आपकी difficulties and queries को post कर सकते हो। Thank you.